गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। हम लोग मदर्स डे में आगे बढ़ेंगे, जिसके राइटर का नाम है जेबी त्रिश्टे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीड किया था कि जॉर्ज को मिसेस पियर्सन बताती है कि क्लब के लोग उनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। तभी मिसेस फिट्ज़गेरल्ड उनके घर आती है। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड जब उनके घर आती है तो सिरिल अपनी माँ से कहते हैं कि मोटी भद्दी मिसेस फिट्ज़गेरल्ड आई है। तो मिसेस पियर्सन उन्हें डांटते हुए कहती है कि मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के पास तुमसे ज्यादा दिमाग है, मतलब तुमसे ज्यादा अक्ल है, इस प्रकार वह कहती है। आगे मिसेस फिट्ज़गेरल्ड जब जॉर्ज मिसेस पियर्सन से बातें करते हैं तो मिसेस फिट्ज़गेरल्ड अपने आप को मिसेस पियर्सन कहती है और उनसे बातें करती है। तब जो जॉर्ज है वह बहुत ही अमेज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं मिसेस पियर्सन से बातें कर रहा हूँ तो मिसेस फिट्ज़गेरल्ड जवाब क्यों दे रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, आप लोग पेज नंबर 48 निकालिए। मिसेस पियर्सन बिफोर मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के रिप्लाई, मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के उत्तर देने से पहले कहती है, आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, मैं आपको माफ नहीं करूंगी जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू। आगे कहती है कि जब कोई फ्रेंड या कोई पड़ोसी अगली बार मतलब मुझसे मिलने के लिए आए तो उसे कुछ कहना है ना, जैसे कि गुड इवनिंग या तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू मींस होता है तुम कैसे हो, इस प्रकार की बातें करना या और कुछ कहना। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, मतलब बिना कुछ कहे बैठ मत जाना, इट्स बैड मैनर्स, यह अच्छी आदत नहीं है, इस प्रकार मिसेस पियर्सन जॉर्ज से कहती है। क्योंकि जब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड मिसेस पियर्सन के घर आती है तो जॉर्ज मिसेस फिट्ज़गेरल्ड से कुछ भी नहीं कहती है ना, मतलब उनसे बातें नहीं करते और वह बैठ जाती, इसलिए मिसेस पियर्सन उनको बता रही है। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट, मिसेस फिट्ज़गेरल्ड नर्वस हो गई है क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है वह मिसेस पियर्सन के में बदल गया है, इसलिए वह नर्वस हो गई है और कह रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इजंट ऑल राइट, नहीं यह सब ठीक नहीं है, वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई विल नो द रीजन व्हाई, मतलब हमें इस घर में कुछ अच्छे आदतों का पालन करना होगा, मतलब कुछ अच्छी आदतें इन घर के लोगों को सिखानी होगी, इस प्रकार मिसेस फिट्ज़गेरल्ड कहती है। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज वेल, और वह जॉर्ज की ओर गुस्से से देखती है ना, और कहती है कि ठीक है कि नहीं, इस प्रकार जॉर्ज से पूछती है। जॉर्ज इंटिमिडेटेड, मतलब वह घबरा जाता और कहता है वेल व्हाट, हाँ ठीक है लेकिन क्या। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, मिसेस पियर्सन जॉर्ज को ताना मारते हुए कहती है, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते, स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, आज एक खास रात है क्या नहीं है, इस प्रकार मिसेस पियर्सन जॉर्ज से कहती है। क्यों कहती है, क्योंकि रात में क्या है, जॉर्ज जहाँ क्लब में जाते हैं है ना, वहां एक पार्टी है, मतलब खाना वगैरह है, तो तुम क्लब क्यों नहीं चले जाती, इस प्रकार मिसेस पियर्सन जॉर्ज से कहती है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू वॉन्टिंग टू हैव अ गुड लॉग, वे मतलब क्लब के लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे और वे और हंसना चाहते होंगे, इस प्रकार वह कहती है। गो ऑन देम डोंट डिसअपॉइंट देम, मतलब आप वहां चले जाइए, उन लोगों को निराश मत कीजिए, मतलब क्लब के लोगों को निराश मत कीजिए। जॉर्ज बिटरली, मतलब कटुता से कहते हैं, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, आगे भी गुस्से से कहते हैं कि अब मुझे उसके सामने मतलब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के सामने भी मेरा मजाक उड़ाओ। वॉन्टिंग टू हैव अ गुड गो ऑन डोंट माइंड मी, मतलब कहती रहो और मेरा ख्याल मत करो, इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं। सिक्सेस एंड सेवेंस, सब अस्त व्यस्त हो गया है, पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आईज आउट, मतलब जो डोरिस है वह बेचारी रो रो रही है और रोकर उसकी जो आंखें है वह
सूझ गई है. गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और आगे कहते हैं कि पड़ोसियों को भी मतलब यह सब तमाशा देखने के लिए बुला लिया है. सडनली लॉसिंग हिज टेम्पर, फिर अचानक से वह गुस्सा हो जाते हैं ना, जॉर्ज जो है वह बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं. ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, और मिसेस पियर्सन की ओर घूरते हुए देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं. ऑलराइट लेट हर हियर इट, ठीक है इसे भी सुनने दो, मतलब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को भी हमारी बातें, हमारे घर का जो बात चल रहा है उसे भी सुनने दो, इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं. व्हाट्स द मैटर विद यू, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मतलब पड़ोस के लोग भी हमारी बातें सुन रहे हैं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं. हैव यू गॉन बार्नी और व्हाट, क्या तुम पागल हो गई हो या कुछ और बात है, इस प्रकार जॉर्ज मिसेस पियर्सन से कहते हैं. मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेवेजली, अब वह भयंकर रूप से कहती है, मतलब बहुत अधिक गुस्सा हो जाती है और कहती है, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, यदि तुम दोबारा मुझ पर इस तरह चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस. आगे वह कहती है कि यदि तुम इस प्रकार दोबारा मेरे ऊपर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारे बड़े मोटे और मूर्ख चेहरे पर थप्पड़ मार दूंगी, इस प्रकार वह गुस्से से कहती है. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड मोनिंग, वह रो रही है, कह रही है ओ नो नो प्लीज, नहीं नहीं कृपया मिसेस फिट्ज़गेरल्ड. मिसेस पियर्सन सिट्स, अब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड कहती कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए मिसेस फिट्ज़गेरल्ड. अब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड मिसेस पियर्सन को क्या कह रही है, मिसेस फिट्ज़गेरल्ड कह रही है, और मिसेस पियर्सन जो है वह बैठ जाती है. जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बिविल्डर, अब जो जॉर्ज है वह हैरानी से देखते हैं. आइदर आई एम ऑफ माई चम और यू आर टू, है ना, आगे कहते हैं कि या मेरा दिमाग फिर गया है या तुम दोनों का दिमाग फिर गया, इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों मतलब किस प्रकार की बातें कर रहे हैं. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड अपने आप को मिसेस पियर्सन कह रही है और मिसेस पियर्सन भी मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के समान बात कर रही है, तो जॉर्ज को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, और वह कह रहे हैं कि या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर गया है या तुम दोनों का दिमाग फिर गया है, इस प्रकार वह कह रहे हैं. हाउ डू यू मीन नो नो प्लीज मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, आगे वह मिसेस फिट्ज़गेरल्ड से कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है मिसेस फिट्ज़गेरल्ड. लुक यू आर मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, और उन्हें समझा रहे हैं कि देखो तुम मिसेस फिट्ज़गेरल्ड हो. So, why are you taking yourself to stop when you are not doing anything? तो तुम अपने आप को चुप रहने के लिए क्यों कह रही है ना? इस प्रकार जॉर्ज कह रहे हैं, क्योंकि तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम अपने आप को चुप रहने के लिए मत कहो. Tell her to stop, then there would be some sense in it. आगे वे कह रहे हैं कि उसे चुप रहने के लिए कहो, मतलब मिसेस पियर्सन को चुप रहने के लिए कहो, तभी कुछ हो सकता है. स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और जॉर्ज मिसेस पियर्सन की ओर घूरते हुए देखते हैं. आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, और आगे कहते हैं मिसेस पियर्सन से जॉर्ज कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुमने पी रखी है, इस प्रकार कहते हैं. मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप सेवेजली, वह भयंकर रूप से कहती है, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, फिर से वही बात कहो जॉर्ज पियर्सन, इस प्रकार वह गुस्से से कहती है. जॉर्ज इंटिमिडेटेड, मतलब डरे हुए कह रहे हैं, ऑल राइट, ठीक है, इस प्रकार जॉर्ज कहती है. डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, अब जो डोरिस है ना मिसेस पियर्सन की बेटी, बाएं तरफ से धीरे से आती है और वह बहुत ही दुखी दिखाई दे रही है. शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप, उसने शॉल ओढ़े हुए है. मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटिंग, और मिसेस पियर्सन सोफे पर बैठ जाती है. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड हेलो डोरिस डियर, अब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड डोरिस से बातें कर रही है और कह रही है हेलो डोरिस, इस प्रकार कह रही है. डोरिस मिजरेबली, मतलब दुखी मन से कहती है, हेलो मिसेस फिट्ज़गेरल्ड. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड आई थॉट यू वेर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट, मैंने सोचा था कि आज रात तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाओगी. डोरिस इनॉयड, मतलब तीखे स्वर में कहती है, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, तो आपको क्या मतलब मैं किसी के साथ भी जाऊं आपको क्या मतलब, क्योंकि डोरिस मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को पसंद नहीं करती, इसलिए कहती है कि मैं किसी के साथ भी कहीं जाऊं आपको इससे क्या मतलब. मिसेस पियर्सन कह रही शार्पली स्टॉप दैट, जब डोरिस मिसेस फिट्ज़गेरल्ड से कहती है कि मैं किसी के साथ भी कहीं जाऊं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तब मिसेस पियर्सन को गुस्सा आ जाता है और
तेजी से कहती है कि बकवास बंद करो, मतलब इस प्रकार की बातें मत करो। इस प्रकार मिसेस पियर्सन डोरिस से कहती है। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड नर्वसली, वह बेचैन हो गई है, नो इट्स ऑल राइट, और कह रही है कि नहीं ये सब ठीक है। मिसेस पियर्सन सेवरली, इट इजंट ऑल राइट, मतलब वह कठोर होते हुए कह रही है कि यह सब ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबॉडी लाइक दैट, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से इस प्रकार की बातें करे। नाउ आंसर मिसेस फिट्ज़गेरल्ड प्रॉपरली डोरिस। फिर आगे वह कहती है कि डोरिस मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को अच्छे से उत्तर दो, और वो अब स्टेयर्स अगेन, या फिर से सीढ़ियों से ऊपर चली जाओ। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, फिर डोरिस अपने पिता की ओर मतलब जॉर्ज की ओर हैरानी से देखती है। जॉर्ज इन डिस्पेयर मतलब निराशा से कहते हैं, डोंट लुक एट मी, आगे कहते हैं कि मुझे मत देखो। आई गिव इट अप, मैंने हार मान ली है। आई जस्ट गिव इट अप, मैंने पूरी तरह से हार मान ली है। मिसेस पियर्सन फियरसली, वेल आंसर हर, आगे मिसेस पियर्सन फिर गुस्से से डोरिस को कहती है कि उनकी जो उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर दो, मतलब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के प्रश्न का उत्तर दो। डोरिस सर्कली गुस्से से फिर कह रही है, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, आगे वह कह रही है कि आज रात मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, ओ व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, मिसेस फिट्ज़गेरल्ड कह रही है कि अरे कितनी दुख की बात है, मतलब क्या हुआ तुम डोरिस के चार्ली स्पेंस के साथ क्यों नहीं जा रही हूँ। डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेंपर गुस्से से कह रही है, बिकॉज इफ यू मस्ट नो माय मदर्स बीन गोइंग ऑन इट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग ही इज गॉट बक टीथ एंड इज हाफ बिटेन, आगे डोरिस कह रही है यह सब मेरी माँ के कारण हुआ है ना, क्योंकि मेरी माँ डोरिस की जो माँ है ना मतलब मिसेस पियर्सन, वह चार्ली स्पेंस को बक टीथ मतलब बाहर उसके दांत निकले हैं और उसका जो माइंड है वह कम, इस प्रकार कहती है। यह बात डोरिस मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को बता रही है। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड रेदर बोल्डर, मिसेस फिट्ज़गेरल्ड थोड़ा साहस हो गई और कह रही है टू मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन को कह रही है ओ यू शुडंट हैव शेयर दैट, मतलब तुमको डोरिस से इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्या बातें कि चार्ली स्पेंस को कि जो दांत है वह बाहर निकले हुए हैं और उनका जो माइंड है वह कम है, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रकार मिसेस फिट्ज़गेरल्ड मिसेस पियर्सन को कह रही है। मिसेस पियर्सन शार्पली मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, अब मिसेस पियर्सन थोड़ा तेज स्वर में कह रही है, मिसेस फिट्ज़गेरल्ड आई विल मैनेज माय फैमिली यू मैनेज यूअर्स, आगे वह कह रही है कि मैं अपने परिवार से निपट लूंगी तुम अपने परिवार को संभालो, है ना, इस प्रकार वह कह रही है। जॉर्ज Grimly taking her off now, are you Annie? अब जो जॉर्ज है वह एनी से कह रहे हैं, मतलब मिसेस पियर्सन से कह रहे हैं कि अब उन्हें भी काटने लगी हो, मतलब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के साथ भी किस प्रकार की बातें करने लगी हो, इस प्रकार जॉर्ज मिसेस पियर्सन से कहते हैं। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, वह ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है और कह रही है दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, मतलब क्लब के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, यह मत भूलो, मतलब आपको क्लब जाना है यह बात मत भूलो। एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस से कहती है कि तुम फिर से रोना शुरू मत कर देना डोरिस, इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, मिसेस फिट्ज़गेरल्ड कुछ डिसीजन लेते हुए अचानक से उठती है, दैट्स एनफ क्वाइट एनफ, और कहती है कि बहुत हो गया अब शांत रहो। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, जॉर्ज और डोरिस मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को आश्चर्य से देखती है ना। टू जॉर्ज एंड डोरिस नाउ लिसन यू टू, अब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड जॉर्ज और डोरिस से कहती है कि आप दोनों अब मेरी बातें सुनो। आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, मतलब मुझे मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के साथ कुछ प्राइवेट बातें करनी है। शी करेक्ट्स हरसेल्फ हैस्टली, और वह अपने आप को जल्दी से ठीक करती है। विद मिसेस पियर्सन शो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स,
फिर आगे कहती है कि यदि आप हम दोनों को, मतलब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को, दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दे तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। इस प्रकार मिसेस फिट्ज़गेरल्ड जॉर्ज और इसे कहती है डोरी से कहती है, आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, गो ऑन प्लीज, है ना, जब हमारी बातें खत्म हो जाएगी तो हम आप लोगों को बुला लेंगे, गो ऑन प्लीज, अभी चले जाइए, कृपया अभी चले जाइए। इस प्रकार मिसेस फिट्ज़गेरल्ड कहती है, आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, आगे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि इससे आप लोगों को हानि नहीं होगी, मतलब मैं मिसेस पियर्सन से कुछ बातें करना चाहती हूँ और इससे आप लोगों को कुछ भी परेशानी या हानि नहीं होगी। देयर इज समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिसका निपटारा मैं खुद कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी केन कॉज आई कांट, मतलब जॉर्ज वह उठ जाते हैं, मतलब जाने के लिए उठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुश हूँ, कुछ तो कोई कर सकता है, कम ऑन डोरिस, और वह डोरिस को कहते हैं कि चलो हम बाहर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।